दोस्तों यहाँ अगर ग्लव्स नहीं पहनोगे ना तो हाथ जम जाएंगे, इतना ठंड है। सूरज निकल गया तब पर ही बहुत बुरा हाल है। तो अब यहाँ रेड स्क्वायर से जाने का समय हो गया है, काफ़ी देर यहाँ टाइम बिताएं, फ़ोटो खिंचाएं, और अब तब पर भी मन नहीं मान रहा है यहाँ से हमें जाने का। तो कहाँ से आते हैं, उधर से आए थे, उधर से अब इधर से जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि अगर आप छांव जहाँ वहाँ चलोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी सच में। धूप है तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है, स्थिति खराब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक दिन और एक सवेरा। आज है मॉस्को, मेरा दूसरा दिन। ये हम स्लीपिंग बैग इंडिया से लेते आए थे। गुड मॉर्निंग, आज है मेरा मॉस्को में पहला दिन। तो चलिए आपको बताते हैं, ये मेरा होस्ट का रूम है और अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बजने जाना, 9:52 हो रहा है। और यहाँ का देखिए, यहाँ का कैसा माहौल है, ये देखिए। ये हो चुका है 10 बजने आ रहा है, लेकिन अभी भी अंधेरा ही है। थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, देखिए पेड़ सब हिल रहा है, नीचे बर्फ़ जमा हुआ है, ये नीचे गाड़ी है लोगों की, सामने का बिल्डिंग देखिए, उसके छत पर बिल्डिंग में बर्फ़ जमा हुआ है। लोग जैसे जा रहे हो, लेकिन पता नहीं संडे है ना, बहुत कम लोग निकला हुआ है। हेलो दोस्तों, तो अभी दिन के 10 बज गए यहाँ पे मॉस्को में, और यहाँ बाहर का सीन दिखाते हैं। देखिए सुबह हो चुका है, यहाँ एक बच्चा लोग का प्ले स्कूल है, यहाँ बर्फ जमा हुआ है, और ये मेरा हॉस्टल का घर है। तो अभी हम जाएंगे कपड़ा धोने के लिए और देखते हैं क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग तो पहले हो चुका था, अभी हम अपने होस्ट के घर के बाहर पे हैं, और ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ, सब तरफ वही हाल है, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं रेड स्क्वायर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑडी है, सब फोर्ड है, महंगा महंगा गाड़ी है। तो जा रहे हैं, देखिए बर्फ़ पूरा जमा हुआ है, सब तरफ बर्फ़ जमा हुआ है। और ये वाला बिल्डिंग है ना, ये वाला, ये मेरा होस्ट का बिल्डिंग है, 5th फ्लोर में रहती है, अरीना नाम है। आगे चलते हैं रेड स्क्वायर तरफ, थोड़ा ठंड लग रहा है, हम ग्लव्स पहन लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम रोड पे आ गए हैं, अभी भाई बहुत ठंड है, बिना पहने तो हम रह ही नहीं सकते, मेरा होस्ट बोल रही थी तुम पहन के जाओ, पहन ही नहीं रहे थे, हीरो बन रहे थे। और ये देखो रोड पे भी बर्फ़ जमा हुआ है, सब तरफ बर्फ़ जमा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे जो बर्फ़ जमता है ना, उसके अभी हम वीडियो बना नहीं पाए, 2-3 गाड़ी थी, वो बर्फ़ जितने भी जमा हुआ है ना उसको लोग साफ करते रहते हैं, इस वजह से इतना साफ है। देखो यहाँ का रोड कितना साफ है, और मेरे हॉस्टल मतलब बोलती तो हम पूरा सेंटर में रहता है मॉस्को का, तो यहाँ का तो देखो कैसा है। हम तो रात को वीडियो बना नहीं पाए, लेकिन अभी का सीन है ये है। तभी हम जा रहे हैं रेड स्क्वायर, वहाँ से फिर घर आ जाएंगे, लेकिन बहुत ठंड है, जो हवा चल रहा है ना, हम तो सोच रहे थे कि हम सह लेंगे, -3-4 है चाहे जितना भी है पता नहीं, और ठंड पूछो मत। और चलिए देखते हैं आगे, वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको क्या क्या हम देखते हैं। और हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मॉस्को मेरा पहला सपना था, मॉस्को जाना और पूरा होगा। हाँ मैं आपको बता रहा था ना कि देखिए वो बर्फ़ साफ करने वाला गाड़ी, देखिए ये गाड़ी आ रही है, ये लोग राउंड मारते रहता है, कहीं भी बर्फ़ बर्फ़ रहता है। ये देखो ये सामने ये बिल्डिंग है, और ये बर्फ़ वाली गाड़ी आ रही है, लोग रास्ता भी साफ करता है, बर्फ़ भी साफ करता है, सब साफ करता है। ये देखो ये गाड़ी है, बर्फ साफ करेगा,
पीछे वाला झाड़ू मार के जाएगा। अच्छा है यहाँ का यार लोगों का, हम लोग इंडिया में तुम कचरा फैलाते रखते हैं यार, यहाँ पर इतना साफ सुथरा, तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आपको बता रहे थे। देखिए यहाँ बर्फ़ कैसे तोड़ा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे तो सब तरफ बर्फ़ जमा हुआ है, देखिए ऐसे जो भी जम जाता है उसको ऐसे तोड़ते हैं यहाँ पर बर्फ़। गाड़ी वाला आ गया और आगे है मॉस्को नदी, जिसकी वजह से शहर मॉस्को यहाँ नाम भी है उसका। तो हम आपको मॉस्को नदी दिखाते हैं और देखिए हर जगह बर्फ जमा, हर पूरा घर घर एकदम मौज है यहाँ पर लग रहा है। ठीक है ठंड है यार है माइनस में थोड़ा सा, हमें तो लगा था हम सह लेंगे लेकिन नहीं सह पाए, बहुत ज़्यादा ठंड है बहुत ज़्यादा। ये आ गया मॉस्को रिवर, तो आपको वहाँ जाके दिखते हैं। देखिए ये अच्छा है, जब ये वॉकिंग वाला आएगा तब बोलेगा अब तुम पार हो पार हो पार हो कितना मस्त है यार यहाँ पर। और ये देखिए सब गाड़ी रुक गया है, कोई रेड क्रॉसिंग का नहीं है यहाँ पर। ये है मॉस्को रिवर और वहाँ मुझे जाना है, यही मॉस्को रिवर के पास ही है। ये बिल्डिंग देखे कितना, हमको यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, एकदम राजा महलों की तरह ये लोग बिल्डिंग होती है। ये मॉस्को रिवर है, इसमें बोट भी चलती है, पता नहीं मैं ठंडी की वजह से नहीं चल रही है। और ये देखिए गाड़ी चल रही है, ऑसम फील्ड है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों आज संडे है तो लोगों देखो मस्ती करने के लिए एक भाई यहाँ पर आया है, देखो मछली पकड़ने के लिए आया, देखो यहाँ के लोगों के कितना मस्त लाइफ है। संडे है मौसम ठीक है तो भाई वो देखो बरसी, अभी हमारा बस वीडियो नहीं कर पाए हमें पता नहीं आपको दिख रहा होगा। और ये है मॉस्को रिवर करके बिल्डिंग है और ये सामने है देखिए जहाँ हमें जाना है। अभी आपको दिखाए थे जैसे टेंट टेक करता है, हरा लाइट हो गया, जल्दी जाओ जल्दी क्रॉस करो, सारी गाड़ी रुक गई है। और ये भाई ने लगता है मछली पकड़ा गया, ये नहीं लगा इसका, चलते हैं कितना देर रहेंगे, बेचारा गुस्सा हो रहा था हमको देख के, बड़ा मेरा फिल्म बना रहे हो तो। तो दोस्तों आपको बोला था देखिए पीछे कि बोट भी होता है, ये देखिए शुरू हो गया जाने के लिए, थोड़ी देर बाद पहले रेड स्क्वायर से घूम के आते हैं फिर जाते हैं अंदर। हमको यहाँ का जो डिजाइन है ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो अभी हमको वहाँ जाना था लेकिन वो इस जगह पर, लेकिन अभी उसमें मेंटेनेंस चल रहा है तो उसमें नहीं जा रहा है। कैफेटेरिया में आए हैं तो दोपहर दो है।
है मॉस्को टूरिस्ट सेंटर, यहाँ पर आके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम तो कुछ पूछे नहीं। और यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर साफ सुथरा बहुत रहता है। और ये पीछे साइड से है, ये रेड स्काई। अभी जाएंगे इसका फ्रंट साइड, सोचे एक बार आपको पीछे साइड से भी दिखा दें, मज़ा आ रहा है हमें, तुम सोचे हर एक चीज़ को वीडियो में बना लें। अब चलते हैं इसके फ्रंट साइड। ये तो हम लोग इंडिया से घोड़ा गाड़ी उड़ गई, हम लोग जब छोटा थे तब हम लोग इसमें चढ़ते थे। हम पहुंच गए हैं रेड स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा पीछे साइड, एक बार हम आपको पूरा सीन दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पर मेला जैसा भी कुछ लगा हुआ है, एक बार आपको सीन दिखाते हैं। इधर है, मेरे हिसाब से ये है ना पुतिन, यहीं पर बैठते हैं, कन्फर्म नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से। एक बार रसिया आके मतलब मॉस्को आके रेड स्क्वायर आने का बहुत इच्छा था मेरा, और आज हम यहाँ आ गए हैं। सच में बहुत मज़ा, बहुत वो चीज़ ऐसे फील नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ डर लग रहा है, जैसे यहाँ पर जितने पुलिस वाले चलते हैं हम लोग जैसे इंडियंस, हमको लगता है कि पकड़ नहीं लगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रेंडली है। आपको दिखाते जाते हैं, ये इसी को देखने तो आना था। इधर है रेड स्क्वायर, पीछे है मॉस्को रिवर, और ये है, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। बताना चाह रहे थे जो पीछे रेड स्क्वायर है, इसका डिज़ाइन मिक्की माउस में भी लिया गया है, अलादीन का जो मूवी आया था उसका भी इसका डिज़ाइन को लिया गया था। और ये काफ़ी पुराना है, इसलिए इतना फेमस है ये मॉस्को में। मॉस्को जो नदी है उसका पीछे है। और एक बार आपको सीन दिखाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं फिर दूसरा। ये रहा रेड स्क्वायर, ये रहा इधर का बिल्डिंग, और ये हाँ हम तो सुने हैं मिस्टर पुतिन जी रहते हैं यहाँ। यहाँ ये बच्चों वाला मेला लगा है, हम लोग को यहाँ ख़त्म हो रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ सब आ रहा है, आपको आगे तरफ से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ अगर ग्लव्स नहीं पहनोगे ना तो हाथ जम जाएंगे, इतना ठंड है, सूरज निकल गया तब पर ही बहुत बुरा हाल है। तो अब यहाँ रेड स्क्वायर से जाने का समय हो गया है, काफ़ी देर यहाँ टाइम बिताया, फ़ोटो खिंचाए, और अब तब पर भी मन नहीं मान रहा है यहाँ से हमें जाने का। तो बता रहे थे देखिए बच्चों लोग को मेला लगा हुआ है, और ये देखिए जो लोग टूरिस्ट के साथ आया था, इन लोगों का गाइड है, इन लोगों को कुछ कुछ बता रहा है, और यहाँ के लोकल लोग हैं, ये बच्चों लोग का मेला लगा हुआ है। इधर काफ़ी सारा स्टॉल है, दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या।
How much? 250 rubles. 200? 250. 250 rubles? Yes. देखिए दोस्तों, ये फ्रिज मैग्नेट है लेकिन 250 रुपया का है। इधर खाने वाला लगा हुआ है, यहाँ पर दिखा रहे थे हम आपको। देखो ये जानवर का ही है, ये है आपका ओरिजिनल चमड़ा का और ये 5000 का, 5000 रुपल का। इसका पूंछ तो अभी भी चल रहा है। दोस्तों हमने एक ये खरीदा फ्रिज मैग्नेट और एक ये खरीदा 3.5 ये। यहाँ मार्केट में बहुत कुछ है, हम ऐसे कुछ खरीदते नहीं है लेकिन सोचे मॉस्को आए हैं, मॉस्को से तो कुछ लेके ही जाएंगे, इसीलिए खरीदते हैं। मैं तो लगा भाई बर्फ से तो नहीं है, धूप निकल गया लेकिन ठंड इतना लग रहा है ना कि पूछिए। यहाँ पर ऐसा है, रोड क्रॉस करने वाले रहेंगे, गाड़ी रहेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुकेगा। ये सारे यूरोपियन कंट्री में है। अच्छा, और इन लोग का टेस्ट ऐसा ही होता है, सब इन लोग का फर्जी टेस्ट नहीं होता है। इन लोग का जब लाइसेंस मिलता है तो यही सब बताया जाता है कि जो रोड पार करने वाले आ रहे हैं उनको ध्यान देना है। यहाँ मॉस्को रिवर है, यहाँ फेरी चलता है, वहाँ पर जाने से पहले यहाँ बैग उग चेक करते हैं। मेरा बैग चेक करता हम बोले ग्लव्स, बोलता है वायर इज ड्रग्स, उसको ड्रग्स सुनाई देता है। तो फिर बोले नो ड्रग्स ओनली ग्लव्स, तब फिर उन्होंने बोला ठीक है जो गुड लक। ठंडा में यहाँ बहुत जल्दी बैटरी जाता है, एक बैटरी तो चेंज कर चुके हैं। अब जा रहे हैं होस्ट के घर, तरफ से पहले एक सुपर मार्केट जाते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं खाने पीने का, फिर आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। दोस्तों ये है मॉस्को रिवर, यहाँ की बिल्डिंग मुझे इतना पसंद है कि पूछो मत। हम इधर से आ रहे थे, हम इधर से वीडियो बनाने के लिए, तो हम सोचे नहीं बना लेते, हम वहाँ से आते हैं, उधर से आए थे इधर से, अब इधर से जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि अगर आप छाँव जहाँ वहाँ चलोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी सच में। धूप है तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है, स्थिति ख़राब है तो जब हम देखने के लिए आए थे कि कितना ठंडा सो सकते हैं, तो हम अपना बूट वाला जूता पहनेंगे और जो हम अंदर वाला वेस्ट बंगाल पैर वाला नहीं पहने, ऊपर पहने थोड़ा मोड़ा, लेकिन पैर तो लग रहा है जमा देगा, बहुत भयानक ठंड है, बहुत भयानक। तो अभी जा रहे वेस्ट का रूम देख रहे हैं, कोई सुपरमार्केट मिलेगा तो सामान ले लेंगे, कुछ जाके खाने पे बनाएंगे और क्या बोलूं, बस आनंद लीजिए यहाँ के बिल्डिंगों का। यहाँ का बिल्डिंग का डिज़ाइन हमें बहुत पसंद है। दोस्तों हम सोच रहे हैं यहाँ का घरों का सा डिज़ाइन की है, तो हमको लगता है ये लोग ठंड ज़्यादा है तो पूरा घर पैक रहे, इस वजह से इन सब का ऐसा है। देखो यहाँ ठंडा ना लगे घर में, इस वजह से ऐसा महल की तरह डिज़ाइन है, मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है। देखो ये घर भी देखो, डिज़ाइन तो एकदम महल की तरह। इधर है मॉस्को रिवर, ये बतख डक डक बतख तैर रहा है, वहाँ से हम आ रहे हैं रेड स्क्वायर था। इधर लोग दौड़ रहे हैं, इधर गाड़ी चल रहा है, आह
तो बता रहे थे फेरी चल रहा है कि वो तो फेरी चलता है इस साइड से चलता है। देखिए वो फेरी आ रहा है, वो उसका पोर्ट है, वहीं से उठाता है। और रशियन क्या बोलते हैं उन लोग को, वहाँ सबसे ब्रांडेड होटल जो है ना रेडिएशन ब्लू, वो चलाता है, उसमें स्टिकर लगा हुआ था। वो फेरी वहाँ आएगा, हम इधर से गए थे, वहाँ से पार होके इधर से आए। और यहाँ पर ये और एक चीज़ है, ये देखो बीच में ट्रम चलता है, इधर से रोड चल रहा है ठीक है, और उधर से रोड चल रहा है, और बीच में रेलवे वाला ट्रक है, ट्रेन है। अभी दिखाते हैं, ये देखिए ट्रेन आ रहा है, ये बीचों बीच ऐसा अलग रास्ता है, कोई गाड़ी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फैसिलिटी इतना अच्छा है कि ट्रैफिक का टेंशन नहीं है। हम लोग को वहाँ इतना ट्रैफिक कि हम लोग परेशान हो गए। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी का अच्छा है देखने से उसका तारीफ करना चाहिए। और यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो गाड़ी भी फाट ले जाता है बीच में लगाने से, है यहाँ कानून बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हम आए हैं सुपर मार्केट में, देखिए यहाँ का दिखाते हैं मशरूम का रेट 79 में। ये है आपका प्याज, ये सस्ता है, अगर 49 रुपया है, पता नहीं कितना है, देख लेते हैं, ले लेते हैं। और क्या है, सब्जी बहुत महंगा आता है, गोभी बंद गोभी नहीं लेना ठीक है। इधर फल है ये नहीं लेना है, बिस्किट्स। हेलो दोस्तों, अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अभी हम लोग खाना खा लिए हैं, तो अपने गेस्ट के साथ आए हैं उसके बालकनी में, ऊपर आपको दिखाते हैं। जो आपको दिखा रहे थे बिल्डिंग वो है 7 सिस्टर, तो ये टेरिस पे आए हुए हैं। ये दिस वन इज 7 सिस्टर बिल्डिंग ना, या दिस वन वो देखो वहाँ पर हम गए थे, वो है रेड स्क्वायर, दिस वन सेकेंड ना, दिस बिल्डिंग सेकेंड सिस्टर, नो दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड ना, वेयर इज स्माइल, या दिस थर्ड, दिस थर्ड, या दिस इज होटल, दिस इज फोर्थ, या एंड दिस इज ये फाइव सिस्टर बिल्डिंग है। प्लीज कम, या दिस इज माई होस्ट Arena. Hello. Yeah. Do you have to say from Indians too? Yes. Yeah. Tell me. How's the Indians? Greeting to Indian guys. Yeah. You're awesome. Awesome. Yeah. Thank you. Thank you so much. You too. Yeah. और देखिए हम सुबह उस बिल्डिंग से होके आए थे। I was cross this bridge. Yeah. ये हम वही यहाँ बहुत फ़ोटो खिंचाए थे, हमें पता नहीं था, तो ये 7 सिस्टर बिल्डिंग में पहला है, फर्स्ट सिस्टर बिल्डिंग है, उसी लिए इधर से होते हुए आए थे। दिस इज अ बिल्डिंग अपार्टमेंट, अपार्टमेंट ओके, हियर इज द रिच एंड फेमस पीपल, फेमस पीपल ना, एंड फेमस व्हीकल्स लाइक ऑडी बीएमडब्ल्यू ना, या एंड मेनी सिंगर्स एक्टर्स, एक्टर्स ना, फेमस पर्सन ना, पीपल रिच ना, या because it's very proud to live here. One thing in Moscow, yeah, Russia, all building are like kingdoms like a design. Mm-hmm. And India has a simple design. Yeah. So why this is for we like it.
Do you like it? Yeah. Mm-hmm. This cause I come, Russia. His building design is awesome. Awesome. Okay, yeah. This is school. School? Cool? Mm-hmm. Yeah. ये देखो दोस्तों ये स्कूल अभी रात में हमें पता नहीं चल रहा है चर्च ना इन टाइम स्कूल इज क्लोज और ओपन टुमारो विल बी ओपन मंडे ना और टुमारो वेकेशन वेकेशन फॉर किड्स ओके दिस इज गुड इज द बेस्ट व्यू ऑफ मॉस्को You live also very good place. Yeah. I know. It's near to all that things. Uh-huh. Yeah. And near with metro. Yeah. If anyone live this building, is the nearest metro this side? Yes. Yeah. Na? Yes. Not far. Yeah. Yes, is nearest. More clothes. Yeah, but in India, in Delhi, 1 and 2 metro distance is 2 kilometers. Maybe a little bit less. Mm. Because 2 minutes between one station and the other station. Mm. I don't know with speed how much kilometers. But it's good. Then I go too much cold. Yeah. Yeah. Oh, of course. दोस्तों तो हम लोग जा रहे हैं बहुत ठंडा यहाँ पे. लोग रूम जा रहे हैं यहाँ पर सब ऑटोमेटिक लाइट है आप नहीं रहोगे तो बत्ती बंद हो जाता है तो दोस्तों ये आ गए अपने रूम पे और अभी रात के वही 9:30-10 बज रहे हैं उसके बाद ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ का सीन बाहर का भी कुछ दिखता ही नहीं है बर्फ़ जमा हुआ है तो हम सोने जा रहे हैं आज का दिन यहाँ ख़त्म कर रहे हैं गुड नाइट